दोस्तों बिग बॉस 14 की अगर मैं बात करूं तो सबको पता है कि कंटेस्टेंट्स की लिस्ट है वो हमेशा 1, 2, 3 आती रहती है जब तक बिग बॉस का फिनाले नहीं आता। जी हाँ, यानी कि जब तक टीवी पे हम नहीं देख पाते कि आखिरकार घर में सच में कौन से गेस्ट है, तब तक जो स्पेकुलेशन है वो बनी रहती है। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ, हाल ही में अभी एक और नाम आ रहा है। जी हाँ, पहले निया शर्मा का आया कि वो कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, दोबारा कर रही हैं या वापस नहीं कर रही हैं। उसके बाद अब बड़ा खुलासा हुआ है एलिगोनी को लेके। जी हाँ, कहा जा रहा था कि एलिगोनी फिक्स कंटेस्टेंट है जो आपको इस सीजन बिग बॉस के घर में नजर आएंगे। लेकिन अब कहानी में आ गया ट्विस्ट, बिकॉज एलिगोनी की जगह अब कहा जा रहा है कि रिबू मेहरा। जी हाँ, आपने सही सुना, एलिगोनी को रिप्लेस किया है रिबू मेहरा ने, और रिबू मेहरा अब एलिगोनी की जगह बिग बॉस के घर जाएंगे। रिबू मेहरा को आपने ऑलरेडी देख चुका है एकता कपूर के कॉन्ट्रोवर्शियल जो अभी वेब सीरीज आई थी उसमें, उसके बाद तुम तुम भाग्य में भी आपने इनको देखा है, और डेफिनेटली ये है मोहब्बतें में भी इनको देखा है। तो जी हाँ, ये ऑलरेडी एकता कपूर के थोड़े बहुत सीरियल्स कर चुके हैं, एंड यस पीपल आर वेटिंग टू सी हिम ऑन बिग बॉस। बट गाइस, व्हाट डू यू थिंक, एलिगोनी को रिप्लेस में जो आए हैं रिबू मेहरा, क्या ये सीजन एंड कर पाएंगे? क्या एलिगोनी जब रहते हैं तो लोगों को पता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हो ही जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है रिबू मेहरा कुछ कॉन्ट्रोवर्सी कर पाएंगे? अब देखना ही होगा कि आखिरकार एंड मोमेंट के रिप्लेसमेंट से शो को कितना फायदा या नुकसान होगा। और एलिगोनी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने ये शो इसलिए छोड़ा और अपना नाम वापस ले लिया जस्ट बिकॉज उनको एक दूसरा शो ऑफर हुआ अभी हाल ही में। तो जब उनको नया शो मिल चुका तो उन्होंने सोचा कि बिग बॉस करने से बेटर है कि वो ये कर लें, बिग बॉस को फिर कभी ट्राई करें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके बारे में, लेट अस नो इन द बिलो कमेंट बॉक्स सेक्शन। और साथ ही में अब देखना ये होगा कि आखिरकार बिग बॉस जब आ रहा है यानी कि कुछ दिनों में, तो ये सीजन कैसा होगा, क्या सारे चार्ट बस्टर्स सारे टीआरपी ब्रेक कर पाएगा? क्योंकि मेकर्स का दावा है कि ये सीजन बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा, स्पेशली BB13 से भी ज़्यादा। क्या वाकई इतना एंटरटेनिंग होगा? वेल, ये तो अब वक्त ही बताएगा।